सावन का मौका है भाई, छोला मिला है क्या, उस बीच रोमांस भी है, दशनबाजी भी है, बताएंगे पहले हम कार्तिक बना रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा ड्रीम सीक्वेंस है जो पिछले साल की सावन मिलनी है, वो कार्तिक याद करते हैं और नायरा को याद करते हैं, जहाँ ये पूरा एक थोड़ा सा गम सा माहौल हो गया है। फैमिली खुश है लेकिन कार्तिक ने उस खुशी के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। एट दिस मोमेंट जब वो फैमिली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो पुरानी यादें याद आ जाती है, नायरा इन द सेम सावन मिलने वाली ड्रेस याद आ जाती है और वही सीक्वेंस। नायरा आपके ड्रीम्स में है कि नहीं है कार्तिक, क्योंकि आज आप भी डांस करने वाली हैं, सावन मिलनी गोवा में मनाने वाली हैं कायरव और अपनी फ्रेंड के साथ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत प्यारा सा रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस बहुत टाइम बाद आया है, ऐसा सॉन्ग मोमेंट और बहुत ही सेंशियस, बहुत ही अच्छा सा मतलब पूरा ड्रीम सीक्वेंस है। और नायरा अलग है, नायरा वहाँ सावन मिलनी मना रही है, अपने बच्चे को दिखाना चाहती है, उसको बताना चाहती है कि ये भी त्यौहार होता है और इसे कैसे मनाया जाता है। एंड ऑब्वियसली शी इज़ मिसिंग कार्तिक। और नायरा के ड्रीम सीक्वेंस के बारे में मैं अभी आपको और कुछ नहीं बता सकती। अच्छा वैसे ये पता चला कि नहीं चला आपको कि कार्तिक शादी कर रहे हैं तुम्हारा, पुनर्विवाह हो रहे हैं उनका? जी हाँ, नायरा पहले डिसाइड कर लेती है कि वो कार्तिक की लाइफ में वापस आ जाएगी अपने बच्चे के लिए और यू नो दादी के लिए, और वो उदयपुर के लिए निकल भी जाती है गोवा से, लेकिन वहाँ उसका बेबी फेंट हो जाता है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, तो उस दिन वो नहीं जा पाते। नेक्स्ट डे जिस दिन उन्होंने जाना होता है उस दिन से पता चलता है कि कार्तिक किसी और से शादी कर रहा है, तो कार्तिक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मान चुका है दैट नायरा इज़ नो मोर एंड अब वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। नायरा को ये लगता है कि अब वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो ठीक है ना, मैं अगर वो खुश है वो मूव ऑन कर रहे हैं तो उनके पुराने रिश्ते को बीच में ला के मैं क्यों उन्हें यू नो वापस ऐड करूँ, तो इसलिए वो बहुत कुछ सोचती है, फिर बहुत बड़ा डिसीजन लेती है कि वो कार्तिक के पास वापस नहीं। ऑब्वियसली नायरा डज नॉट नो दी एंटायर ट्रुथ, उसे पूरी सच्चाई अब तक पता नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं उन्हें आधी सच्चाई पता चली है कि कार्तिक की एक्चुअल शादी हो रही है, दादी के बारे में भी पता चल गया क्योंकि ऑब्वियसली गोयनका जितने बड़े हैं उनका हर चीज़ न्यूज़ में आ जाता था, दादी का हार्ट अटैक भी न्यूज़ में आ गया था, तो यस तो वो चीज़ें उन्हें पता चली है, लेकिन क्यों शादी कर रहे हैं, किन हालातों में शादी कर रहे हैं, क्या हो रहा है उन पे, दैट शी डज नॉट नो, बट उसका कहीं ना कहीं उन्हें कुछ आइडिया है कि शायद दो चीज़ें हो सकती है, एक तो या तो यू नो इफ व्हेन शी कम्स बैक इधर ही विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट और ही विल बी एंग्री एट हर, तो वो ड्रीम्स वो देखती ही है। ये कार्तिक का ड्रीम है ऑब्वियसली, गाना जो है ये पहली बार जब गोवा जब शुरू किया तो उसमें गोवा में ये गाना ड्रीम एज नायरा ड्रीम किया हमने, और अब कार्तिक का ड्रीम है उदयपुर में इसी गाने पे कार्तिक का ड्रीम, तो कहीं ना कहीं जब ये गाना दोबारा रियल में आएगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा वैसे